हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आज ममता बनर्जी के गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी महापूजा करने वाले हैं। पीएम आज कोलकाता के एक पंडाल में मां दुर्गा की वर्चुअल पूजा करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी ने ममता बनर्जी को बंगाल में पटकनी देने का प्लान बनाया। देखिए रिपोर्ट। आज है महाअष्टमी, मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करें। नवरात्र का ये पावन पर्व बंगाल के लोगों के लिए सबसे खास, सबसे बड़ा उत्सव है। और इसी त्योहार को आज और खास बनाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कोलकाता के साल्ट लेक में एलईडी स्क्रीन पर पीएम मोदी की ये तस्वीर उसी तैयारी की एक झलक है। साल्ट लेक के इसी पंडाल में प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए षष्ठी की पूजा में शामिल होंगे। पूजा सुबह 10 बजे शुरू होगी। सबसे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो रविंद्र संगीत गाएंगे, फिर बंगाल के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। उसके बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली की पत्नी डोना गांगुली भी नृत्य पेश करेंगी। प्रधानमंत्री ठीक 12 बजे पूजा में शामिल लोगों को संबोधित करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय की देखरेख में बीजेपी ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को बंगाल के कोने कोने तक पहुंचाने की भव्य तैयारी की है। हर जिले में 10 से 12 पूजा पंडाल में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर कार्यक्रम के सीधा प्रसारण का इंतजाम किया गया है। 78,000 मतदान केंद्रों को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। हर पोलिंग बूथ पर 25 से अधिक कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ पीएम मोदी का भाषण सुनेंगे। इसके अलावा बीजेपी एक लिंक भी जारी करेगी, जिससे प्रधानमंत्री मोदी को देश और दुनिया भर में लोग घर बैठे स्मार्टफोन और टीवी के जरिए सुन सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम का मकसद श्रद्धा भी है और सियासत भी। बीजेपी इसके जरिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के वोटरों को साधना चाहती है। कल आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल में सबके साथ बात करेंगे, भाषण देंगे। माँ दुर्गा पूरा बंगाल में छाए हुए है, तो हमारा ये गर्व है कि प्रधानमंत्री जी बंगाल के लिए, बंगाल में जो दुर्गा पूजा के लिए उनका वक्तव्य रखेंगे। ये हमारे एज ए बीजेपी वर्कर्स, एज ए बंगाल का जो बंगाली लोग है, हमारे लिए गर्व का बात है। वैसे कोरोना की वजह से इस बार बंगाल में दुर्गा पूजा का रंग फीका है। एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले पंडालों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी, फिर बाद में थोड़ी राहत देते हुए बड़े पंडालों में 45 लोगों को एक साथ एंट्री की मंजूरी।